रेवाड़ी में पिछले कई दिनों से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पत्रकारों को टारगेट बनाकर की जा रही एक तरफा कार्रवाई को लेकर पत्रकारों में प्रशासन के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते रेवाड़ी जिले के तमाम पत्रकारों ने आज न केवल जिला सचिवालय के सामने राजी चौक पर सांकेतिक धरना दिया बल्कि काली पट्टी बांधकर राष्ट्रीय प्रेस दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया। इसके बाद सभी पत्रकार वहां से प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने पत्रकारों को टारगेट करना बंद नहीं किया तो अधिकारियों का यह रवैया किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन अपना काम करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रशासन किसी दूसरे आदमी के आवाज को दबाए वो सही नहीं है। और इस आज जो ये कार्यक्रम है, ये धरना है प्रेस दिवस के ऊपर, काला दिवस मनाना पत्रकार के लिए इससे खेद की बात और क्या हो सकती है, लेकिन मजबूर थे। जिस प्रकार से पिछले 1.5-2 महीने के दौरान प्रशासन की कार्रवाई रही है, उससे हमें ऐसे लगा है कि प्रशासन जानबूझ के पत्रकारों को टारगेट कर रहा है ताकि वो स्वतंत्र रूप से लिख ना पाए। हमें अपने कलम की आजादी को कायम रखने के लिए आज ये एजिटेशन करना पड़ा है, और जरूरत पड़ी तो इसको आगे भी बढ़ाएगा। यहाँ दोषी है, उसके बाद कार्रवाई करिए। जो अब आज हम बैठे हैं जिस मामले को लेकर के, उसमें हमारे साथी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उस मामले में हमको यह प्रतीत होता है, हमारे साथी ने कई सवाल उठा करके यह तर्क दिया है कि वह निर्दोष है, उन्हें जानबूझ करके फंसाया गया है, कलम की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, इसलिए मजबूर होकर के हमें बैठना पड़ा है। प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच करा करके हमें संतुष्ट कर दे और हमारा साथी जो है निर्दोष है, उसको कलम की आजादी मिलनी चाहिए। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सबसे जरूरी है। अगर अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों में ऐसे मामले सामने आए हैं जिनसे ये लगा कि प्रेस का गला दबाया जा रहा है। इसके कुछ कारण हैं। लगभग 1-2 महीना पहले एक मीटिंग मीडिया सेंटर में हुई थी, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस मीटिंग में खुद मौजूद थे। वहाँ हमने ये उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि पत्रकार कोई ऐसी जमात नहीं है कि कसूर करे और उनको माफ कर दो। अगर कहीं पत्रकार का कसूर नजर आता है तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए, हम बीच में नहीं आएंगे। लेकिन अगर निर्दोष